नमस्कार दोस्तों, ये मत भूलें कि जो शरीर व मस्तिष्क ईश्वर ने विश्व के सबसे सफल व्यक्ति को दिया है वही आपको भी दिया है, बस आपको उसका उपयोग कैसे करना है ये आप तय करेंगे। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आधुनिक मनी मंत्र में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों का 14 मार्च दिन मंगलवार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीजों से सावधान रहना होगा और मिथुन राशि वालों को आने वाले समय में वे कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मिथुन राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे और साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो दोस्तों अगर आपके भी मिथुन राशि है और आप जानना चाहते हैं आज का संपूर्ण राशिफल तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। दोस्तों आज मंगलवार है, आज हनुमान जी का वार है, इसलिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय हनुमान अवश्य लिखें, वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल को ऑन जरूर करें। चलिए दोस्तों आज के पंचांग को जान लेते हैं। आज का पंचांग है 14 मार्च 2023 दिन मंगलवार, आज की तिथि है सप्तमी। आज का नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र, सूर्योदय 6:40 AM, सूर्यास्त 6:31 PM। सूर्य राशि, सूर्य मार्च 15 6:38 AM तक कुंभ राशि उपरांत मीन राशि में प्रवेश। अभिजीत मुहूर्त 12:15 PM से 12:59 PM। आज का चाणक्य विचार, आचार्य चाणक्य विद्वान होने के साथ ही महान शिक्षक भी थे, उनके द्वारा बताई गई नीतियों को अपनाकर जीवन में सफलता पाई जा सकती है। आचार्य चाणक्य ने विश्व प्रसिद्ध तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी। चाणक्य नीति में पैसा, सेहत, बिजनेस, दाम्पत्य जीवन, समाज और जीवन में सफलता, सुख और दुख से जुड़ी चीजों के बारे में जानकारी दी गई है। अगर कोई भी व्यक्ति इन बातों को अपने जीवन में अपना ले तो वह सफलता के नए मुकाम हासिल कर सकता है। कह कालह कानी मित्राणी को देशह को व्यगाम गोहो कस्या मह काचा में शक्ति रीति चिंतयम मुर्मुहु। आचार्य चाणक्य ने श्लोक के माध्यम से उन 5 चीजों के बारे में बताया है जो किसी भी व्यक्ति के सफल होने के लिए जरूरी हैं। चाणक्य के अनुसार किसी भी व्यक्ति को हमेशा किसी भी काम को करने के लिए सही वक्त का होना जरूरी है, साथ ही अच्छा दोस्त, अच्छी जगह, पैसे और खुद की शक्तियां भी किसी व्यक्ति की सफलता के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है। समय, आचार्य चाणक्य के अनुसार हर इंसान को समय की कद्र करनी चाहिए, कोई भी काम अगर सही समय पर किया जाए तो उसका रिजल्ट भी बेहतर होगा। मित्र, किसी भी व्यक्ति की सफलता में उसके मित्रों का विशेष योगदान है, व्यक्ति को सच्चे मित्र की पहचान करनी आनी चाहिए, साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे कितने मित्र उसके साथ हैं। स्थान, आचार्य चाणक्य के अनुसार व्यक्ति को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वो किस स्थान पर है, किसी भी व्यक्ति को हमेशा ऐसी जगह पर रहना चाहिए जहां रोजगार के अवसर मौजूद हो। इनकम, किसी भी व्यक्ति को जीवन चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है, उसे हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसकी इनकम कितनी है और उसके खर्च कितने हैं, उसे पैसे कमाने और उन्हें सेव करने पर भी ध्यान देना चाहिए। खुद की शक्तियां, किसी की व्यक्ति की सफलता में उसकी खुद की मेहनत का सबसे बड़ा योगदान है, इसलिए उसे हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो कौन है और उसकी शक्तियां क्या है। दोस्तों यदि चाणक्य नीति अच्छी लगी हो तो उस वीडियो को लाइक करें। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आज का मिथुन राशि फल। आज आपको अपनी जिम्मेदारियों पर पूरा ध्यान देना होगा, अधिकारी वर्ग का सहयोग मिलेगा, मनचाही मुराद पूरी होगी, जीवन साथी और संतान से लाभ प्राप्त होगा, आकस्मिक धन लाभ होने की संभावना है, शैक्षणिक स्तर पर आज सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहेगा, महत्वपूर्ण लोगों से बातचीत होगी, विचार विमर्श में आपको कुछ नई बातें पता चल सकती है, मन की बातें किसी से शेयर करने की आपकी इच्छा हो सकती है, प्रेम संबंधों को लेकर दिन मिश्रित सा रहेगा, दिल की तरंगों में उतार चढ़ाव रहेगा जिसकी वजह से प्रेम जीवन में तुतल का सा छाए रहने की आशंका है। परेशान मत होइए, खुशी और गम की कहानी साथ साथ चलती रहती है, अगर आज दुखी है तो कल अच्छा होगा, आपके लिए आज का दिन मिला जुला असर लेकर आएगा, अटके हुए काम आज बनेंगे, आज किसी धार्मिक गुरु या ज्ञानी पुरुष से आपकी भेंट हो सकती है जो आपकी काफी मदद करेंगे, उनका मार्गदर्शन आपके काम आएगा, कार्य के सिलसिले में आपको यात्रा पर जाना पड़ सकता है, कुछ लोगों का ट्रांसफर भी संभावित है, परिवार का वातावरण काफी बेहतर रहेगा, दाम्पत्य जीवन जी रहे लोगों को कुछ समस्या हो सकती है, जो लोग प्रेम जीवन में है उनके लिए आज का दिन बेहतर होगा, आज आपको अपने पार्टनर की तरफ से कोई खास गिफ्ट मिल सकता है, रिश्तों में आ रही कड़वाहट दूर होने के आसार दिखाई दे रहे हैं, लंबे समय बाद आप अपने लव पार्टनर के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, आज आप परिवार के साथ किसी काम में व्यस्त रहेंगे, ऑफिस में आपको कोई बड़ा काम निपटाने की जिम्मेदारी मिलेगी जिसको समय से पूरा कर लेंगे, आपको अपने गुस्से पर संयम रखने की जरूरत है अन्यथा कोई बना बनाया काम बिगड़ सकता है, आज आपको कामकाज की व्यस्तता में खाना पीना बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, इससे आपकी सेहत पर असर पड़ सकता है, आपको थोड़ा एक्सरसाइज पर भी ध्यान देने की जरूरत है, आज जरूरतमंद की सहायता करें, पारिवारिक जीवन आपका सुखद बना रहेगा, आज का दिन शुभ है, कार्यस्थल पर जांच रखना महत्वपूर्ण है क्योंकि आप
आपके सहयोगी आपके धैर्य और समझ का परीक्षण कर सकते हैं। नई साज सजावट से घर की शोभा में वृद्धि करेंगे, माता से भी लाभ मिलेगा, धन और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। किसी नए उद्यम से आमदनी आनी शुरू हो सकती है। आज होने वाली ज्यादातर बातचीत और सौदेबाजी में आपको सावधान रहना होगा। कोई दोस्त आज ज्यादा ही स्वार्थी हो सकता है, सावधान रहें। आपके लिए आज का दिन मिला जुला असर देगा, स्वास्थ्य में मजबूती आएगी, लेकिन अचानक से आपको जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है या फिर किसी प्रकार का शारीरिक दर्द आपको परेशान कर सकता है। प्रॉपर्टी के मामले में आपको लाभ होगा। आपका दाम्पत्य जीवन आज काफी बेहतर तरीके से चलेगा, जिससे आप खुश रहेंगे। प्रेम जीवन के लिए दिन आपका सामान्य रूप से व्यतीत होगा। आपके प्रिय के व्यवहार में धार्मिकता बढ़ेगी। काम के क्षेत्र में आपको पदोन्नति मिलेगी और ऊपर से तो सब सामान्य दिख रहा है, लेकिन आपका मन कह रहा है कि कुछ तो है जो ठीक नहीं है। क्या है वह अभी आप समझ नहीं पा रहे होंगे। कुछ पल आंखें मूंद कर बैठें और समझें कि क्या कमी है। सबसे जरूरी यह है कि अपनी बात को प्रेमी के साथ शेयर जरूर करें। कला के क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी। आज आपका दिन शानदार होगा। परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा। दोस्तों के साथ ट्रिप पर जाने का प्लान आप बनाएंगे। अचानक धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। किसी जरूरी काम में थोड़ी सी मेहनत करने से सफलता मिल जाएगी। लवमेट्स के लिए दिन फेवरेबल है। वेब डिजाइनर्स के लिए दिन उत्तम रहने वाला है। बच्चे पढ़ाई के मामले में अपने दोस्तों से कोई अच्छी प्रेरणा लेंगे। आज के दिन ओम शब्द का 11 बार उच्चारण करें। पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे। आज आप अपनी लव लाइफ की चर्चा पूरे परिवार वालों के साथ कर सकते हैं। हो सकता है आपको सभी का सपोर्ट भी मिल जाए। आज आपकी सकारात्मकता पूरे माहौल को सकारात्मक बनाए रखेगी। बड़े अधिकारियों के साथ आपका खूब तालमेल बैठेगा। नौकरी और व्यापार में लाभ वाले अनुबंध हो सकते हैं। किसी से तभी दोस्ती करें जब उसके बारे में पूरी जानकारी कर लें और उसे भली भांति समझ लें। कुछ लोगों के कारण आप भावनात्मक रूप से आज परेशान हो सकते हैं। इसी प्रकार कुछ लोगों से बहस या अनबन जैसी स्थिति भी बन सकती है। पार्टनर आपकी भावनाओं को समझेगा। प्रेम संबंधों को लेकर आज का दिन आपके लिए खास बन सकता है। क्या हो रहा है और क्या होने वाला है जैसी बातों को छोड़कर आप केवल मस्ती के मूड में रहेंगे। अभी और आज में केवल प्रेम में डूबे रहना आपका मकसद रहेगा। आपके लिए आज का दिन कमजोर रहेगा। सेहत बिगड़ सकती है। आपके खाने पीने पर आप विशेष ध्यान दें। यात्रा में असुविधा हो सकती है। काम के सिलसिले में अपने साथ काम करने वालों के साथ आपकी झड़प हो सकती है और इससे काम बिगड़ सकता है। पैसों के मामले में दिन बढ़िया रहेगा। यकायक से आपके पास आज धन आ सकता है। दाम्पत्य जीवन के लिहाज से दिन बढ़िया रहेगा और प्रेम जीवन जीने वालों को भी अच्छे नतीजे मिलेंगे। इस राशि के जातकों को आज अपना लव पार्टनर मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। शादी के शुभ योग भी बन रहे हैं। घर परिवार में शादी का प्रस्ताव आ सकता है। किसी मित्र की मदद से आपके काम बनेंगे। आज आपका दिन उत्तम रहेगा। आप अपने कॉन्फिडेंस के दम पर हर काम में सफल होंगे। कला या किसी रचनात्मक काम में आपका रुझान पड़ेगा। आप अपनी सभी समस्याओं का हल आराम से ढूंढ निकालेंगे। आज आप कुछ समय मनोरंजन में बिताएंगे। आपका दाम्पत्य संबंध मधुरता से भरपूर रहेगा। कोई करीबी आपकी खुशियों को दोगुना कर देगा। भाग्य आपको कुछ अच्छे मौके देगा। धैर्य पूर्वक के साथ की गई बातचीत आपके फेवर में रहेगी। घर से ऑफिस जाते समय घर के बड़ों का आशीर्वाद लेकर निकले। पूरे दिन काम बनते रहेंगे। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो प्रेमी अभी भी आपके विषय में नहीं जानता होगा। बातों को छिपाने में आप आनंदित भी महसूस कर रहे होंगे और आज भी कुछ ऐसा चूहा बिल्ली वाला खेल आप प्रेमी के साथ खेल सकते हैं। ध्यान रखें कि कभी कभी गेम पलट भी जाता है। आपके ऊपर माता रानी की कृपा बनी रहेगी। काफी समय से अटके हुए काम आपके पूरे हो जाएंगे। जितना हो अपने पैसे की बचत करने का विचार बनाएं। ऐसे मुद्दों पर बात करने से बचें जिनको लेकर प्रियजनों से विवाद होने की संभावना है। अपने प्रिय की वेवजा मांगों को पूरा करने से बचें और उनके आगे ना झुके। आय में आपकी वृद्धि होगी। वरिष्ठ व्यक्तियों का मार्गदर्शन मिल सकता है। नौकरी और कारोबार में आपको अपने व्यवहार में सुधार करना पड़ सकता है। आपके लिए आज का दिन शानदार रहेगा। किसी जरूरी कार्य में आपको अपने पार्टनर का सहयोग मिलेगा। खर्चों में आपकी आज बढ़ोतरी हो सकती है। धन का निवेश करने से बचना बढ़िया होगा। काम के सिलसिले में दिन बढ़िया रहेगा और आपकी मेहनत आपके लिए फल लेकर आएगी। परिवार का माहौल बढ़िया रहेगा और आपको खुशी भी देगा। शादीशुदा जातकों का दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहेगा और उन्हें प्रेम की प्राप्ति होगी। जो लोग अभी फिलहाल अपनी किसी कन्फ्यूजन में चल रहे हैं, उन्हें उनकी कन्फ्यूजन खत्म करने का मौका मिल सकता है। अगर आपके रिश्ते में कोई तनाव या मतभेद चल रहा था तो वो खत्म हो सकता है। इससे आपका मूड अच्छा होगा और कुछ रोमांचक करने का भी मन करेगा। कुछ ऐसा जो आपने अभी तक ट्राई नहीं किया होगा, आज ऑफिस में आपके काम की प्रशंसा होगी। व्यापारी वर्ग को धन लाभ के मौके मिलेंगे। आज आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, साथ ही माता पिता के स्वास्थ्य का भी पूरा पूरा ध्यान रखें। पेपर वर्क पूरा ना होने से आज आपका कोई जरूरी कार्य कुछ देर के लिए रुक जाएगा। प्रॉपर्टी खरीदने के योग बन रहे हैं। घर में नन्हे मेहमान के आने का योग बन रहा है। आज अध्यात्म के प्रति आपकी जो रुचि है वो भी बढ़ेगी। लवमेट्स एक दूसरे के साथ कहीं घूमने का प्लान बनाएंगे। मंदिर में चने की दाल दान करें। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
आज आपको अपने लव पार्टनर के साथ ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करने को मिलेगा, जिससे रिश्ते में हो रही उलझन का अंत हो सकता है। दोस्तों आज आपका शुभ अंक है 1, शुभ रंग है नारंगी और सुनहरा। उपाय है बेडरूम में क्रिस्टल बॉल रखने से स्वास्थ्य बेहतर होगा। मित्रों इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपने सुझाव अवश्य दीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। राधे राधे मित्रों।